बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, म्यूजिक फार्मा में वेलकम। फ्रेंड, आज जो है ताज़ा तरीन अपडेट ये है रिगार्डिंग अंबरनाथ कि अंबरनाथ की शादी के बाद ये फर्स्ट बकरीद थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ फर्स्ट बकरीद में कुछ चीज़ें जो ऐसी ज़बरदस्त हुई हैं जो डेफिनेटली नोट डाउन करने के काबिल हैं। इसमें क्या हुआ, पहली बात मैं बताऊँ कि अंबरनाथ को पहला सिनेरियो में ज़रूरत जो पड़ी वो मेहंदी की पड़ी, ऑब्वियसली सारी लेडीज़ को पड़ती है। मगर यहाँ क्या हुआ, यहाँ वही हुआ जो अंबरनाथ के हर व्लॉग में होता है। अंबरनाथ जो शो ऑफ करती हैं कि अंबरनाथ ने मेहंदी के लिए किया इस्तेमाल अपनी फ्रेंड का, जी यहाँ पर अंबरनाथ ने अपनी पुरानी फ्रेंड को लिया आड़े हाथों इस्तेमाल और वो गई अपनी फ्रेंड के यहाँ। अच्छा, फ्रेंड क्या, वो डायरेक्ट नहीं गई, पहले वो गई अपनी अम्मा के पास, क्योंकि डेफिनेटली वहीं से उनकी फ्रेंड का अगर करीब होगा तो अपने हस्बैंड के साथ वो डायरेक्ट नहीं गई फ्रेंड के यहाँ, बल्कि पहले वो गई अपनी अम्मी के पास। वहाँ से पकड़ा उन्होंने तहसीन को और तहसीन के साथ जब वो फ्रेंड के साथ गई तो उस बेचारी लड़की ने मेहंदी तो उसने बहुत ही नो डाउट बहुत अच्छी और बहुत फिनिशिंग से लगाई है, मगर मेहंदी के साथ साथ उसने अंबर का वार्म वेलकम किया है। आप ये देखें, स्नैक्स रखे हैं उसने, उसमें शायद आई थिंक पास्ता था, उसने वो भी चीज़ बनाए, बेवरेजेस थे, काफ़ी सारी चीज़ें उसने और भी रखी जो कि डिफरेंट टाइमिंग में सर्व की गई। अब आप ये देखें कि जब एक शख्स खुद आ रहा है मेहंदी लगवाने और वो जो मेहंदी लगा रहे वही सर्व कर रहा है और बड़ा अच्छा वार्म वेलकम कर रहा है, मगर क्या हुआ, रिस्पॉन्स ये दिया गया उस फ्रेंड को कि तुम जो मेहंदी लगाती हो उसको कोई वर्थ नहीं है सिवाय ज़बानी अप्रिशिएट करने के। क्योंकि हम लोग नॉर्मली जब कहीं जाते हैं और स्पेसिफिकली जैसे अंबर की शादी हुई है और शादी के बाद आई थिंक ये फर्स्ट टाइम गई अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो अंबर को मिनिमम अपने साथ एक जो मैनर्स होते हैं वो देख के अंबर को अपने साथ बहुत सारी चीज़ें रखनी चाहिए थी। बहुत सारी नई भी होती तो जस्ट कोई मिठाई ले जाती, उसके भाई के बच्चे थे उनके लिए कन्फेक्शनरी रख लेती, बिस्किट्स रख लेती, कुछ ब्रेड ले लेती। जैसे होता है कि इंसान कहीं जा रहा है और सिर्फ अपने काम के लिए जा रहा है जहाँ से उसका अपना काम निकल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट निकल रहा है। और उस ज़माने में जब बकरीद पे लोग अपने जानवरों के साथ ही बहुत मगन होते हैं, अपने ईद का काम कर रहे होते हैं, उस बेचारी ने वो टाइम माइनस किया, अपनी बिजनेस को एक तरफ रख के अपनी फ्रेंड्स के लिए टाइम निकाला। मैं बाकी दोस्तों को कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ और वो लड़कियाँ हैं, बट आप मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड के नाम से वहाँ जा रही हो, ठीक है, तो मिनिमम इतना तो इंसान का दिल होना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ लेके जाए, वो एथिकली तो छोड़ दें। अंबर में बेनता कंजूसी देखी गई है शादी के बाद, किसी को वो मुँह नहीं लगाती, कुछ लेके नहीं जाती, सिवाय अगर उसको अपने इन लॉज को या अपने हस्बैंड को देना चाहे वो वहाँ तैयार है देने पे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ जनाब, जब गई मेहंदी लगाने तो वहाँ पे मांगे तहसीन से 100 रुपये। 100 रुपये क्यों मांगे गए भाई, तुम जब जा रही हो और तुम मैं शादी के बाद जा रही हो, फिर तुम व्लॉग भी बना रही हो, तो फिर 100 रुपये मांगने की क्या मुश्किल पड़ी अपने भाई से। क्या एक लड़की शादी के बाद जब जा रही है स्पेशली मेहंदी लगवाने अपने हस्बैंड के घर से, तो क्या 100 रुपये तक नहीं है उसके पास, या फिर वो अपने पैसे खर्च ही नहीं करना चाहती। और इन तमाम पॉइंट से मैंने उसकी कंजूसी का जो पूरा सिनेरियो है वो मैंने एनालिसिस कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मोहतर की स्टोरी क्या चल रही है। मोहतर आपको पता है चांद रात वाले दिन की जो उसने मूवी दिखाई है उसमें वो बिल्कुल उसने अपने आप को तो देखा ही नहीं, कंटिन्यूसली वो लगी रही अपने बच्चों की जो उसके आउटफिट्स में उनकी ड्रेसिंग में, और उसमें उसने व्लॉग खींचा है, फिर उसने व्लॉग खींचा घर की धुलाई में, घर की क्लीनिंग में। तो एक जगह मोहतर जो है वो इसी घर की लड़की है, वो इतनी सफाई कर रही है, एक जगह दूसरे घर की लड़की है उसको अपनी मेहंदी की पड़ी हुई है। क्यों नहीं अंबर ने कोई व्लॉग बनाया अदरक लहसुन पीसने का, पपाया का पेस्ट बनाने का, ठीक है। फिर अंबर ने ये कहा मेरी पहली ईद है और जो है कैटल फार्म तो हो गए थे, गाय लेने ही गए होंगे या बकरा लेने गए होंगे, आई डोंट नो, बट उसने ये कहा कि मुझसे हो नहीं रहा था, मुझसे मैनेज नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने हिस्सा ले लिया वरना हम बकरा करने वाले थे। मतलब बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है ये बात कि आप अभी तक क्या 13-14 साल की बच्चियाँ हैं, हमारी फैमिली में जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं उनसे भी काम करवाए जाते हैं बकरीद के, बेटा शॉपर्स ला दो, पॉइंटर ला दो, रबर बैंड्स ला दो, नाम लिख दो, ठीक है, छोटा सा गोश्त का बाउल उठा दो, प्लेट्स उठा दो, तो आपने अपने घर में ये भी नहीं किया क्या। इवन के आपकी जो अम्मी है वो कुकिंग चैनल रन कर रही हैं,
वो एक ईस्टर्न चैनल रन कर रही है जिसमें तमाम तर चीज़ें दिखाई जाती हैं, बट बेसिक बात ये होती है कि आप अपने बच्चों को क्या चीज़ सिखा रहे हैं, और जो चीज़ आप अपने बच्चों को सिखाएंगे वही चीज़ आपकी फैमिली में आगे जाएगी। आइदर आपकी सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो, आप कितने सुगढ़मंद हो, एनी हाउ यहाँ पर आज आपने बकरा नहीं किया, आपने चलो हिस्सा लिया है, मैं इस पॉइंट से नहीं कह रही, हिस्सा भी कुर्बानी होता है डेफिनेटली, मगर आपने ये कहा कि हम बकरा ले रहे थे, सो ऐसी क्या मुश्किल आ जाती कि आप बकरा ले रहे थे मगर आपसे बकरा नहीं लिया गया क्योंकि आपसे हैंडल नहीं हो रहा था। ये सबसे बड़ी आपकी नाकामी है। आज आपकी पहली ईद और आपने उसमें बोल दिया मुझसे तो बकरा हैंडल ही नहीं हो रहा, बकरा नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, ट्रक हो गया कोई। सिंपल सी बात है, यू आर नॉट ओनली वन के जिसकी पहली बकरा ईद है, आपसे छोटी छोटी लड़कियाँ जो इनकी पहली बकरा ईद होती है, पहली ईद होती है। सो अगर आप अभी मैनेज नहीं कर रही, नहीं कर पा रही, तो हाउ कैन यू मैनेज इन फर्दर जो एयर्स आएंगे उसमें कैसे मैनेज करेंगी? आपको अगर अक्ल होती या माँ खुद समझाती या सासू माँ, आई डोंट नो वो उन्होंने क्या समझाया होगा आपको, मगर आपके अपने खोपड़े में अक्ल होती आप ये चैलेंज लेती। चैलेंज भी नहीं है यार, पूरी पूरी गाय तक निमटाई है भाई, ऐसा थोड़ी होता है, लेडीज़ हैं जेंट्स से मिल के काम करते हैं घरों में, और फिर वॉश भी करना पड़ता है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ कुर्बानी। कुर्बानी में क्या है, आपने हिस्सा ले लिया, चादर बिछा के उसमें हिस्से बनाए, काम कम करना पड़ा, लेकिन कब तक आप अपनी जो आपकी एक लाइफ है ज़िंदगी में जो चेंज आया है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रही, तो ये तो बेकार बात है कि भाई मुझसे हो नहीं रहा था। अभी तक आप वही बिल्कुल जो सेंसिबल होता है ना बंदा, वो वाली बात नहीं है यहाँ पर। फिर मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मैंने नोट की कि अंबर जो है उसको किसी तरीके से ज़िंदगी के एडिकेट्स नहीं आ रहे। तमाम पॉइंट जो हम पकड़ते हैं वो इसीलिए पकड़ते हैं, इसीलिए कैच होते हैं कि आप लाइफ के पिन पॉइंट्स या लाइफ के जो बंदे को एक्सपीरियंस से सीखता है वो जब सीखता है जब वो अपनी लाइफ से सिंसियर हो, लेकिन आई थिंक आप सिंसियर नहीं है। वो अभी भी इसी तरीके से चल रही है ज़िंदगी में जैसे हाड़ा हुड़ी और हंसी मजाक में चलते हैं, सिवाय के स्क्रीन पे उसने अपने आप को लोगों के एटीट्यूड की वजह से, लोगों के रिस्पॉन्स की वजह से सही किया थोड़ा सा। बात आती है अंबर के हाथ में उंगली जो उसके खिंच गया था, या पता नहीं उसमें झुकाव आ गया था, झटका आ गया था, आई डोंट नो कि उसमें क्या हुआ था। यहाँ पे अंबर को क्लियर करना चाहिए कि वो झटका क्यों आया था, क्योंकि नॉर्मली शादी के बाद हस्बैंड की तरफ से भी कभी कुछ ऐसा होता है, या मदर इन लॉ की तरफ से कभी कुछ ऐसा होता है, या कभी आपके अनएक्सपीरियंस होने की वजह से आपका कोई काम जो है वो आपसे गलत हो जाता है, तो आपको ऐसी चोटें लगती हैं। प्लस पॉइंट आगे इस स्टोरी में ये है कि भाई आप जब जर्राह के पास गई तो वो आप सबसे बड़ी अकल की पैदल थी, मतलब सबसे बड़ी मैं कहती हूँ, अम्मा जो है बच्चों को समझाती हैं तो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कभी भी ऐसा कुछ होता है तो इंसान डॉक्टर के पास जाता है, या हड्डी में कुछ लगता है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है। जर्राह क्या करते हैं, आज आपकी जब हड्डी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो गई और तकलीफ हुई तब भी वो अम्मा के पास गई, तब भी उनको मदर इन लॉ ने कुछ नहीं बताया। जो जर्रा होता है नॉर्मली वो हड्डियों को तबाह करने के लिए अब तक कितने लोगों को वो नुकसान पहुंचा चुके हैं, वो लैक ऑफ नॉलेज वाले लोग होते हैं, वो कोई जो है मेडिकली पढ़े हुए लोग नहीं होते, तो उनके पास जो है जब वो लोग जाते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं होती, जिनको ज़रा नॉलेज हो जाती है, जो एक अच्छी क्लास के या नॉर्मल क्लास के भी लोग होते हैं वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये है कि अंबर की अकल तो सबको पता है कितनी है, मगर उनके साथ जो उनकी मदर इन लॉ रहती हैं उन्होंने क्या गाइड किया अंबर को, उन्होंने क्या बात बताई अंबर को कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। प्लस अंबर का हस्बैंड है, अंबर के फादर इन लॉ हैं, ये दुनिया में रहते हैं, जॉब करते हैं, बाहर जाते हैं, तो इन्होंने कुछ क्यों नहीं गाइड किया कि तुम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ या कम अज़ कम किसी डॉक्टर के पास जाओ, और उनको भेज दिया भाई कहीं भी जाओ, जर्रा के पास जाओ, कुछ भी करे उंगली में वो, आप चली जाओ कहीं भी, आपकी मर्जी है। अब जब तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो इन लॉज के पास जिनके पास वो रह रही है, क्या वो इस काबिल भी नहीं है कि उसको दोबारा किसी डॉक्टर को दिखा दो, गली की किसी क्लिनिक में ले जाओ कि पता चले क्या है उस तकलीफ़ की वजह से क्या हुआ। वो लड़की आई अपनी माँ के घर कि भाई मेरे तो ये तकलीफ है, तो अम्मा ने वो बैंडेज खोली और उस पर ऑयलिंग करी, तो अम्मा कोई फिजिशियन तो नहीं है, अम्मा भी तो वैसी ही एक औरत है जैसी मदर इन लॉ है, लेकिन यहाँ मदर इन लॉ की गफलत और उनकी उकताहट नज़र आ रही है
कि भाई कुछ भी हो, तकलीफ़ भी हो, मगर अपनी अम्मा के पास जाओ। ये बड़ी आसान चीज़ है कि जो भी हो, तकलीफ वकलीफ में होगा ना, आपको पता चला बर्डन होगा, उसको फेंक दो भाई घर ले जाके वापस। तो यहाँ क्या सिचुएशन पता चल रही है, वैसे तो उनकी सास आ जाती है, लिपस्टिक लगा के खड़ी हो जाती है ना, अपो नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, अंबर की वजह से नहीं आ रही, उनकी अपनी जो है काफ़ी जो है बदनामी हो गई थी उनकी अपनी वजह से, सो वो हो गई है पीछे। मगर एक और मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ पर उनका हमें पता चल रहा है कितनी वो अंबर से मतलब अटैच हैं, क्योंकि उनकी अगर अपनी बेटी होती तो वो ऐसा नहीं करती, मगर यहाँ पे उन्होंने फौरन अपनी बहू को फेंक दिया, कहा भाई जा अपनी अम्मा के पास जा, मेहंदी भी वो अपने इन लॉज के यहाँ या हस्बैंड की तरफ से नहीं लगा सकती, क्योंकि शादी से पहले ठीक है फ्रेंड्स लगाती हैं, मगर शादी के बाद एक प्रॉपर जो है नॉर्मली देखा जाता है, जो हस्बैंड चाहते हैं कि भाई सैलून भी यहाँ बुक करा लो, मेहंदी भी वहाँ लगवा लो, टेनर भी चेंज हो जाते हैं लोगों के, लेकिन यहाँ पे नो इंटरेस्ट की जो है ना दिख रही है यहाँ पे हमें बुक खुली हुई आराम से। इसी तरीके से सास की तरफ से भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि हमारी बहू को चोट लगी है, तो इंसान डर के मारे कहता है नहीं यार तुम यहाँ देखो, तुम इस कंडीशन में अपने घर जाओगी तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, पता नहीं हम लोग कुछ तुम्हारे लिए करते हैं या नहीं। सो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो सारी चीज़ें नोट की गई थी मैंने आपको बताई, और इन तमाम चीज़ें जो हम बताते हैं आपको एनालिसिस के बाद बताते हैं, उनमें रियलिटी होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं यही कहूँगी, व्लॉग था आज का इतना ही, एंड और इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।